तो फिर से आपका एक बार स्वागत है BKBY के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, BKBY DCSA ये दोनों कंबाइंड चलते हैं। DCSA मतलब कि डिजिटल कंप्यूटर साक्षरता अभियान, BKBY मतलब कि भारतीय कौशल विकास योजना। तो इस हिसाब से आज हम लोगों को जो देखने की बात है, देखिए अधिकतर लोगों को विंडोज 10 में प्रॉब्लम था। बहुत लोगों का ये बात आ रहा था कमेंट में, लोगों ने दिया कि सर जो है ये विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल कहाँ से आता है और उसको हम लोग एक्टिव कैसे करते हैं, कोई प्रोग्राम को हम लोगों को जो है अनइंस्टॉल करना हो तो उसको हम लोग कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, बहुत सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो देखिए कंट्रोल पैनल के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल पैनल पे हम लोग काम कैसे करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि कंट्रोल पैनल में, विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल कैसे आए, किस तरीके से हम लोग काम करें। देखिए कंट्रोल पैनल लाना काफी इजी है विंडोज 10 में। विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल लाना काफी इजी है, काफी इजी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लाएंगे, आप यहां पे जाएं, सेटिंग्स में जाएं, तो ये कंट्रोल पैनल का एक हिस्सा आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कंट्रोल पैनल ही आए, तो यहां पे जाइए और इसमें CONTROL PANEL आप लिख सकते हैं, या CON लिखिएगा तो आ जाएगा। इस पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा ना, तो ये कंट्रोल पैनल आ जाएगा। अब आपको इस कंट्रोल पैनल से बिल्कुल विंडोज 7 की तरह अगर आप काम करना चाहते हैं, बिल्कुल विंडोज 7 की तरह, तो आप देखिए यहां पे अब मिल गया। आप यहां से जाइए, इसका आइकन लार्ज स्मॉल कर लीजिए और यहां से आप देखते रहिए, काम करते रहिए। ऑप्शंस थोड़ा सा उससे इसमें हो सकते हैं कि ज्यादा मिले, आप यहाँ पे काम कीजिए। प्रोग्राम को रही बात अनइंस्टॉल करने की, कोई प्रोग्राम हम कैसे अनइंस्टॉल करेंगे, तो आप यहाँ पे जाए प्रोग्राम्स में, अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम है, इस पे क्लिक कीजिए। ये आपको जितना भी देखेंगे आपको मिल जाएगा, जिसको भी अनइंस्टॉल करना है इस पे क्लिक कीजिए और इस अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ और प्रोसेस पूछेगा, आपका ये प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा, अपग्रेड अनइंस्टॉल। तो आप चाहें तो यहाँ से अनइंस्टॉल कर लीजिए, अनइंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आसानी से आप अनइंस्टॉल इसको कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने का तरीका रहा, आप आसानी से आप अपने प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कीजिए, यहाँ से जाइए अनइंस्टॉल कीजिए, या आपको जैसे भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है आप बिल्कुल आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए आगे फिर देखते हैं हम लोग कि आगे कैसे काम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।